राजधानी जयपुर के अंदर कल पुलिस चेकिंग के दौरान झगड़ा देखने को मिला। सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस वाले कैफे के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ एक युवकों से झगड़ा हो जाता है और इसी बीच पुलिसकर्मी और इन युवकों के बीच में हाथापाई भी होती है। मामला ये भी सामने आया कि एक सरदार की पगड़ी तक उसमें निकल गई थी। इसको लेकर के आप सभी को बता दें कि वहाँ पर हंगामा बढ़ता हुआ नजर आया, भीड़ इकट्ठी होती हुई नजर आई, लेकिन अब इस मामले के अंदर पुलिस का क्या कहना है, कहाँ तक जांच पहुंची है, इन सभी की तमाम जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को चेकिंग को लेकर के शुक्रवार की रात बड़ी झड़प हुई। झगड़े में सिख युवक की पगड़ी गिरने को लेकर के विवाद, सैकड़ों लोग इस पर इकट्ठा हुए। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले दो घंटे वहां पर लोग देखते रहे और प्रदर्शन करने में जुटे भी रहे। पुलिस प्रशासन ने हालत बिगड़ते देख करके बड़ी संख्या में जाब्ते को तैनात कर समझाइश की और मामले को शांत करवाया। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी गोपालपुरा बाईपास स्थित शराब दुकानों पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। शराब दुकान को लेकर पहुंचे पुलिसकर्मियों की कार्रवाई को लेकर पड़ोसी कैफे मालिक से कहासुनी हो गई। आरोप है कि अवैध शराब बेचने के आरोप में सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मियों ने मारपीट कर दी, जिसके चलते बचने आए सिख युवक की बीच बचाव के दौरान पगड़ी गिर गई। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने पर कहासुनी के बाद में झगड़ा हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर के मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मी होने का दावा करने वाले युवकों ने जमकर मारपीट करना शुरू कर दिया। सिख युवक के साथ बदतमीजी होने पर पता चलने पर बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए। विरोध कर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिसकर्मियों पर धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।